नहीं, वो तो 1 तारीख को सुनवाई होगी, 1 जुलाई को, लेकिन आज के फैसले को क्या? हम बहुत खुश हैं, सभी ब्रिजवासियों में खुशी की लहर है और सभी का ब्रिजवासियों का जो जिन्होंने जिनका केस चल रहा है उनका केस चलता रहेगा। तो यहाँ पर कई अलग अलग पिटीशन जो है इस अदालत में डाली गई थी, उसमें से अब जो मुख्य मामला था, जो टाइटल सूट का जो मेन विवाद था, उस पर कहीं ना कहीं एक पक्ष की आज जीत होती नजर आई है। हालांकि अब उन्हें निचली अदालत में ये साबित करना होगा कि 1968 में जो समझौता हुआ था जमीन को लेकर, वो किस तरीके से गलत था। तो ये पूरा विवाद आप ये समझिए जो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है, इससे जुड़ी हुई दरअसल कई याचिकाएं हैं जो कि अदालत में रखी गई हैं, और ये जो विवाद है जिसको लेकर अब मथुरा की कोर्ट में आगे सुनवाई चलेगी, ये अतिक्रमण के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी। एक और याचिका है जिसमें ASI सर्वे की मांग की गई है, उस पर सुनवाई 1 जुलाई को होगी। हुए केस को सही मानते हुए स्वीकार कर लिया गया है, और स्वीकार सही मानते हुए सभी तथ्यों को सही माना है माननीय कोर्ट ने, और सभी मानते हुए इसको स्वीकार करने के बाद ट्रायल के योग्य माना है केस को। अगली डेट तो लोअर कोर्ट में पता चलेगी, अब ये लोअर कोर्ट में फायर आएगी, पत्रावली यहाँ आएगी, और लोअर कोर्ट में पत्रावली आने के बाद में आज जो फैसला आया, जजमेंट आया, उसमें कुछ खास टिप्पणी जजमेंट का पूरा अपने आप लोगों ने नहीं किया है, इसलिए उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। अब आप वापस लोअर कोर्ट का रुख करेंगे, लोअर कोर्ट में फाइल पुनः आगे चलेगी। लोअर कोर्ट में आप लोग साबित कर पाएंगे कि ये 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज था, जन्म स्थान की ओर से वकील हैं हम, इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। जजमेंट लोअर कोर्ट का होगा बाद में, वो हमें मान्य होगा, जो भी फैसला होगा हमें मान्य होगा। जन्मभूमि अभी देखता होगी। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया। सर आपका क्या नाम है? सर मुकेश खंडेलवा, एडवोकेट। अच्छा मुकेश जी, क्या मामला था ये जिसमें आज आपको फैसला मिला है? लोअर कोर्ट में प्लेंटिफ्स के द्वारा सूट फाइल किया गया था, लोअर कोर्ट ने माना था कि प्लेंटिफ्स को राइट टू सू नहीं है, मुकदमा खारिज कर दिया गया। उस ऑर्डर के अंगेंस्ट में जनपद न्यायाधीश मथुरा के यहाँ रिवीजन फाइल किया गया था। अभी अभी जनपद न्यायाधीश मथुरा ने रिवीजन स्वीकार किया है और ये माना है कि लोअर कोर्ट का आदेश अंगेंस्ट लॉ है, गलत है, और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश समाप्त कर दिया गया है। क्या पिटीशन थी आपकी? हम जन्म स्थान की ओर से वकील हैं, पिटीशन हमारी नहीं थी, पिटीशन दूसरे पक्षकारों की थी, जो कि अपने आप को ठाकुर जी का सेवाधारी, सेवा पूजक यानी वर्ष पर कह के सूट फाइल किया गया था। ठीक है जी, शुक्रिया। हेलो, हाँ जी। तो ये जमीन विवाद है श्री कृष्ण जन्मभूमि से जो जुड़ा हुआ है, और इसी को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी, और इस अर्जी को अब मंजूर कर लिया गया है। ये टाइटल सूट है जिसको परमिशन दे दी गई है, कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद पर यह याचिका स्वीकार कर ली गई है, और अब मथुरा की कोर्ट में इसको लेकर केस आगे चलेगा, उसको लेकर बहस होगी और फिर फैसला लिया जाएगा। इसमें हवाला दिया जा रहा है 1968 के समझौते का, और ये जो समझौता हुआ था जमीन को लेकर, उसको रद्द करने की मांग की गई थी इस याचिका में, उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि श्री कृष्ण की अर्जी सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई है कि श्री कृष्ण वहां पर विराजमान है, और जैसे कि आप पिटिशनर्स जो यहां पर दावा करते रहे हैं, जो एक पक्ष है वो कहता है कि जो जन्मस्थली है श्री कृष्ण का, जहां पर जन्म हुआ था, वहीं पर आज ईदगाह मस्जिद है, उन्हें वहां पर पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, और ये पूरा विवाद अब आगे बढ़ रहा है। भूमि मामले में अर्जी दाखिल की गई है, पक्षकार ने शाही ईदगाह में ASI सर्वे की मांग की, मथुरा कोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। कन्हैया शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया शर्मा, क्या डिटेल्स हैं? अब ये मामले की जो सुनवाई है वो 1 जुलाई को होगी, ASI सर्वे की मांग की जा रही है, क्या क्या कहा गया है इस याचिका में? देखिए, ये एक अलग याचिका है जो मनीष यादव के द्वारा लगाई गई है सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में, जिसमें मांग की गई है कि ASI द्वारा सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए। एक अलग याचिका अभी लगाई गई है जिस पर न्यायालय ने 1 जुलाई को सुनवाई तय की है। इससे पूर्व भी सुनवाई को लेकर याचिकाएं जो लगाई गई हैं, जिसमें सर्वे की मांग की गई है, कमीशन गठन की मांग की गई है, वीडियोग्राफी की मांग की गई है, उन सभी याचिकाओं में 1 जुलाई की तारीख लगी है। ये एक अलग याचिका आज लगी है, उस पर 1 जुलाई की तारीख तय की है न्यायालय ने, और श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर अब न्यायालय अभी फैसला सुनाएगा। कुछ ही समय बाद उम्मीद जताई जा रही है कि न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन जो सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में
में जो याचिका सर्वे को लेकर एएसआई के सर्वे को लेकर वीडियोग्राफी और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने को लेकर लगाई गई है, उस सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 1 जुलाई की तारीख इसमें तय की है कि 1 जुलाई को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। दो याचिका है जो श्री कृष्ण विराजमान से जुड़ी हुई याचिका है उसको लेकर आज फैसला सुना सकती है अदालत, और वहीं एएसआई सर्वे की जो मांग की गई है उसको लेकर सुनवाई होगी मथुरा कोर्ट में 1 जुलाई। मथुरा जिला कोर्ट ने टाइटल सूट पर परमिशन दे दी है। कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद पर जो याचिका दाखिल की गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। अब निचली अदालत में केस चलेगा, बहस होगी और फिर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें 1968 समझौते को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि और भी पक्षकार यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं आज जो फैसला आया है उसे। वकील साहब कर रहे हैं इसे। आज जो फैसला आया किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा इसको मान लिया गया है और हमारा भी इसी पहले चल रहा है केस, ऑलरेडी हमारा मेंट चल रहा है कोर्ट में, ये मान लिया गया है और अब ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर के और अन्य कोई भी सब चीज़ों को लेकर ये खत्म हो गया मैटर। अब ये ट्रायल चलेगा, अब हौच पौच की स्थिति, भ्रम की स्थिति खत्म हो गई है और निश्चित रूप से अब केस चलेगा। अब आगे आप लोग क्या आगे इसमें जो प्रोसीडिंग होंगी कोर्ट की वो पूरी करेंगे। आगे जो प्रोसीडिंग कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे। हाँ, सिविल कोर्ट में पत्रावली वापस जाएगी और सिविल कोर्ट में पत्रावली वापस जाने के बाद इसमें ट्रायल होगा। सिविल कोर्ट में आप लोग साबित कर पाएंगे कि वो जो 100% साबित हो जाएगा और यहाँ साबित तो आज हो गया कि केस सही है और आगे भी साबित हो जाएगा। आगे भी साबित हो जाएगा। तो ये वकील थे, हालांकि 6 पक्षकार हैं, 6 अलग अलग पिटिशनर हैं और कई सारे हिंदू पक्ष भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोगों ने जो पिटिशन डाली थी, आज फैसला आपके पक्ष में आया है, अब सिविल कोर्ट में वापस जाना है, वहाँ सुनवाई होगी, लगता है वहाँ से भी जीत होगी। ये आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है कि इनको अधीनस्थ न्यायालय में भेज दिया गया है और वहाँ इनकी सुनवाई होगी पुणे। तो हमारा जो हिंदू महासभा का जो केस चल रहा है वो सिविल जज सीनियर डिवीजन चल रहा है और हमने मांग की थी कि जो माँ जो असली गर्भगृह वहाँ हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। हम माँ लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहते हैं। असली गृह वह जहाँ कथित ईदगाह खड़ी हुई है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था और कारागार को तोड़कर औरंगजेब ने ईदगाह बना दी, तो हम पूजा कहाँ करें? हमको पूजा करने का अधिकार वहीं मिलना चाहिए जहां हमारे कान्हा का जन्म हुआ था, ये हमने न्यायालय से मांग की थी। वो तो 1 तारीख को सुनवाई होगी 1 जुलाई को, लेकिन आज के फैसले को क्या? हम बहुत खुश हैं, सभी ब्रजवासियों में खुशी की लहर है और सभी का ब्रजवासियों का जो जिन्होंने जिनका केस चल रहा है उनका केस चलता रहेगा। तो यहाँ पर कई अलग अलग पिटीशन जो है इस अदालत में डाली गई थी, उसमें से अब जो मुख्य मामला था, जो टाइटल सूट का जो मेन विवाद था, उस पर कहीं ना कहीं एक पक्ष की आज जीत होती नजर आई है। हालांकि अब उन्हें निचली अदालत में ये साबित करना होगा कि 1968 में जो समझौता हुआ था जमीन को लेकर वो किस तरीके से गलत था। तो ये पूरा विवाद आप ये समझिए जो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है, इससे जुड़ी हुई दरअसल कई याचिकाएं हैं जो कि अदालत में रखी गई हैं, और ये जो विवाद है जिसको लेकर अब मथुरा की कोर्ट में आगे सुनवाई चलेगी, ये अतिक्रमण के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी। एक और याचिका है जिसमें एएसआई सर्वे की मांग की गई है, उस पर सुनवाई 1 जुलाई को होगी। हुए केस को सही मानते हुए स्वीकार कर लिया गया है और सही मानते हुए सभी तथ्यों को सही माना है माननीय कोर्ट ने, और सभी मानते हुए इसको स्वीकार करने के बाद ट्रायल के योग्य माना है केस को। अगली डेट तो लोअर कोर्ट में पता चलेगी, अब ये लोअर कोर्ट में फायर आएगी, पत्रावली यहाँ आएगी और लोअर कोर्ट में पत्रावली आने के बाद में आज जो फैसला आया, जजमेंट आया, उसमें कुछ खास टिप्पणी जजमेंट का पूरा अपने आप लोगों ने नहीं किया है, इसलिए उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। अब आप वापस लोअर कोर्ट का रुख करेंगे, लोअर कोर्ट में फाइल पुणे आगे चलेगी। लोअर कोर्ट में अब आप लोग साबित कर पाएंगे कि ये 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज था वो? जन्म स्थान की ओर से वकील हैं हम, इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। जजमेंट लोअर कोर्ट का होगा बाद में, वो हमें मान्य होगा, जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला होगा हमें मान्य होगा। जन्मभूमि अभी देखता होगी। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया। सर आपका क्या नाम है? सर मुकेश खंडेलवा, एडवोकेट। अच्छा मुकेश जी, क्या मामला था ये जिसमें आज आपको फैसला मिला है? लोअर कोर्ट में प्लेंटिफ्स के द्वारा सूट फाइल किया गया था, लोअर कोर्ट ने माना था कि प्लेंटिफ्स को राइट टू सू नहीं है, मुकदमा खारिज कर दिया गया। उस ऑर्डर के अंगेंस्ट में जनपद न्यायाधीश मथुरा के यहाँ
रिवीजन फाइल किया गया था। अभी अभी जनपद न्यायाधीश मथुरा ने रिवीजन स्वीकार किया है और ये माना है कि लोअर कोर्ट का आदेश अंगेस्ट लॉ है, गलत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश समाप्त कर दिया गया है। क्या पिटीशन थी आपकी? क्या पिटीशन थी आपकी? हम जन्मस्थान की ओर से वकील हैं। पिटीशन हमारी नहीं थी, पिटीशन दूसरे पक्षकारों की थी जो कि अपने आप को ठाकुर जी का सेवाधारी, सेवा पूजक यानी वर्ष पर कह के सूट फाइल किया गया था। ठीक है जी, शुक्रिया। हेलो, हाँ जी। तो ये जमीन विवाद है श्री कृष्ण जन्मभूमि से जो जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी और इस अर्जी को अब मंजूर कर लिया गया है। ये टाइटल सूट है जिसको परमिशन दे दी गई है। कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद पर ये याचिका स्वीकार कर ली गई है और अब मथुरा की कोर्ट में इसको लेकर केस आगे चलेगा, उसको लेकर बहस होगी और फिर फैसला लिया जाएगा। इसमें हवाला दिया जा रहा है 1968 के समझौते का और ये जो समझौता हुआ था जमीन को लेकर उसको रद्द करने की मांग की गई थी इस याचिका में, उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि श्री कृष्ण की अर्जी सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई है कि श्री कृष्ण वहां पर विराजमान है और जैसे कि आप पिटिशनर्स जो यहां पर दावा करते रहे हैं, जो एक पक्ष है वो कहता है कि जो जन्मस्थली है श्री कृष्ण का जहां पर जन्म हुआ था वहीं पर आज ईदगाह मस्जिद है, उन्हें वहां पर पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और ये पूरा विवाद अब आगे बढ़ रहा है। भूमि मामले में अर्जी दाखिल की गई है। पक्षकार ने शाही ईदगाह में एएसआई सर्वे की मांग की है। मथुरा कोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। कन्हैया शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया शर्मा, क्या डिटेल्स हैं? अब ये मामले की जो सुनवाई है वो 1 जुलाई को होगी, एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है, क्या क्या कहा गया इस याचिका में? देखिए, ये एक अलग याचिका है जो मनीष यादव के द्वारा लगाई गई है सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में, जिसमें मांग की गई है कि एएसआई द्वारा सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए। एक अलग याचिका अभी लगाई गई है जिस पर न्यायालय ने 1 जुलाई को सुनवाई तय की है। इससे पूर्व भी सुनवाई को लेकर याचिकाएं जो लगाई गई हैं, जिसमें सर्वे की मांग की गई है, कमीशन गठन की मांग की गई है, वीडियोग्राफी की मांग की गई है, उन सभी याचिकाओं में 1 जुलाई की तारीख लगी है। ये एक अलग याचिका आज लगी है, उस पर 1 जुलाई की तारीख तय की है न्यायालय ने। और श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर अब न्यायालय अभी फैसला सुनाएगा। कुछ ही समय बाद उम्मीद जताई जा रही है कि न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत जो याचिका सर्वे को लेकर, एएसआई के सर्वे को लेकर, वीडियोग्राफी और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने को लेकर लगाई गई है, उस सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 1 जुलाई की तारीख इसमें तय की है कि 1 जुलाई को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। कि ये दो याचिका है, जो श्री कृष्ण विराजमान से जुड़ी हुई याचिका है उसको लेकर आज फैसला सुना सकती है अदालत और वहीं एएसआई सर्वे की जो मांग की गई है उसको लेकर सुनवाई होगी मथुरा कोर्ट में 1 जुलाई। मथुरा जिला कोर्ट ने टाइटल सूट पर परमिशन दे दी है। कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद पर जो याचिका दाखिल की गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। अब निचली अदालत में केस चलेगा, बहस होगी और फिर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें 1968 समझौते को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि और भी पक्षकार यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं आज जो फैसला आया है उसे। वकील साहब कर रहे हैं इसे। आज जो फैसला आया किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा इसको मान लिया गया है और हमारा भी इसी पहले चल रहा है केस, ऑलरेडी हमारा मेंट चल रहा है कोर्ट में, ये मान लिया गया है और अब ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर के और अन्य कोई भी सब चीज़ों को लेकर ये खत्म हो गया मैटर। अब ये ट्रायल चलेगा, अब हौच पौच की स्थिति, भ्रम की स्थिति खत्म हो गई है और निश्चित रूप से अब केस चलेगा। अब आगे आप लोग क्या आगे इसमें जो प्रोसीडिंग होगी कोर्ट की वो पूरी करेंगे। आगे जो प्रोसीडिंग कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे। हाँ, सिविल कोर्ट में पत्रावली वापस जाएगी और सिविल कोर्ट में पत्रावली